नमस्कार दोस्तों, यू ब्लॉग बिजनेस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे बिजनेस के बारे में जिसे आप करके आसानी से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। वैसे तो मैं आपको पहले प्रोडक्ट दिखा देता हूँ कि आपको किस तरीके के प्रोडक्ट सेल करना है या किस तरीके से आपको मिल सकते हैं, ये पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे साथ इस तरीके से कुछ आपको धनिया मिर्च मसाले मिल जाते हैं। यहाँ पास मैं आपको ये पूरा बताने वाला हूँ कि अगर आप इन सब का बिजनेस शुरू करते हो तो आपको ये जो हैंगर है कितने रुपये का पड़ता है, मार्केट में कितने रुपये का सेल कर सकते हो और आप उनको कहाँ से सकते हो। हाँ दोस्तों, मैं आपको अपने लोकल आपके लोकल मार्केट में ही बताऊंगा कि वो ये इस तरीके की जो प्रोडक्ट हैं कैसे मिल जाते हैं। पहले मैं दोस्तों आपको दिखा देता हूँ, ये पीसी हुई धनिया है। ये दोस्तों देख सकते हो किस तरीके से पैकेजिंग में आती है, इस तरीके से पैकेजिंग में आती है। और ये अगर मैं बात करूँ तो जैसे आप लोग जानते होंगे कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ब्रांड जो चलते हैं, जैसे गोल्डी हो गया, OMG हो गया, इस तरीके के ब्रांड चलते थे। लेकिन दोस्तों ये क्या है कि नया ब्रांड है, आप दोस्तों देख सकते हैं ये इस तरीके से नया ब्रांड है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके के प्रोडक्ट आपको कैसे लेके आना है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें मैं देखूँ आप लोगों को दिखाने के लिए लेकर के आया हूँ। ये हो गया धनिया, इसके बाद मैं धनिया कर देता हूँ नीचे और इसके बाद में ये आ जाती है हल्दी। और दोस्तों ये हल्दी आ जाती है, इसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आ जाती है ये मिर्च। तो मेरे पास अभी ये तीन प्रोडक्ट है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और गरम मसाले हो गया, सब्जी मसाले हो गया, पनीर मसाले हो गया, उसकी भी वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप लोग दोस्तों वीडियो इस तरीके की चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रॉफिट की। तो दोस्तों ये जो कार्ड है, इस तरीके का आप हैंगर है, इसको आप किस तरीके से बेच करके पैसे कमा सकते हो, इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे जो मसाला होता है, जो धनिया मिर्च मसाला, ये सभी के घर पर यूज होता है और सभी के घरों पर यूज होने वाली चीज़ें होती हैं। ये अगर इसकी बात करें तो ये हाई डिमांड है, मतलब कि इसको अगर आप बेचना चाहते हो तो आप जितनी भी किराना की दुकान है वहाँ इसे बेच सकते हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें इसके बारे में तो इस पर 60 पीस दिया गया है, मतलब कि 300 रुपये का माल है इसमें। और 300 रुपये का माल आपको कितने रुपये तक में ये मिल जाएगा इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, बात करते हैं। अब हम लोग प्रॉफिट की बात करने वाले हैं। अगर दोस्तों हम लोग बात करें इसे 160 रुपए का माल लेना चाहते हैं, जैसे 160 रुपए का ये आता है, आपको ये 300 रुपए का जो माल है 160 रुपए का मिल जाता है। इसको आप 180 170 रुपए में आसानी से बेच सकते हैं और आराम से आपका प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर दोस्तों आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो ये आपको और भी कम का पड़ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पास बता रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटर वालों के लिए, जैसे किसी के पास पैसे ज़्यादा होते हैं तो वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर लेना होता है, तो वो क्या होता है वहाँ पास आपको ये 145-150 रुपए का भी पड़ जाता है। मतलब कि 300 रुपए का जो माल होता है आपको ये 50% की मार्जिन में मिल जाता है। 300 रुपए का माल आपको 150 रुपए में मिल जाएगा और आप आसानी से उसको 200 रुपये 180 रुपए में सेल आउट कर सकते हैं। अगर आप होलसेल भी करते हैं तो आप 170 रुपए 160 रुपए 165 रुपए इस तरीके से बेच सकते हैं। तो अब मैं बात करने वाला, जैसे दोस्तों मैं अगर बात करूँ तो ये ग्राइंड प्योर कंपनी है। तो ये दोस्तों ग्रैंड प्रो कंपनी है कि ये एक चंदौली की कंपनी है। तो इस तरीके से आपको मैं अब बताने वाला हूँ कि आपको थोड़ा सा सर्च करना है कि आपके आसपास में कौन सी कंपनी है जो नई खुली हुई है। तो आपको नई कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूटर लेना है और नई कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूटर लेकर के, या तो आप डिस्ट्रीब्यूटर ले सकते हैं जो, या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में पता करें जो डिस्ट्रीब्यूटर ले चुका है ऑलरेडी, जिसके पास डिस्ट्रीब्यूटर है तो आप उससे ये माल ले सकते हैं। आप क्या करिए, आप उससे 10-12 हज़ार रुपये का इस तरीके का माल लीजिए, वो आपको कम मार्जिन में लगा करके दे देगा, आपसे वो सिर्फ 2-3% का मार्जिन लेकर के आपको माल दे देगा। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, जैसे आपके पास बाइक हो या आपके पास साइकिल हो या आप खुद नॉर्मली जा करके आप सेलमैन लोगों को ढूंढ सकते हैं, आप उनको क्या कर सकते हैं, जो सेलमैन होते हैं छोटे छोटे, तो वो क्या होता है वो लोग इकट्ठा माल रखने के लिए उनके पास वो नहीं होता, वो क्या करते हैं वो 2-3 दिन ही हैंगर लेकर के मार्केट में सेल करते हैं। तो आप उनको भी इस तरीके से दे सकते हैं, जैसे आप 160 रुपये का लेके आते हैं तो आप उनको 170 का दे सकते हैं, 175 का दे सकते हैं। वैसे अगर आप ज़्यादा माल लोगे तो ये आपका कम का भी पड़ने वाला, जैसे मैंने आपको बताया तो आपको ये, अगर आप ये 10-12 हज़ार रुपये का माल लेते हो तो ये आपको 145 रुपये का ही पड़ जाएगा। तो इस तरीके से आप आगे जाकर के 155-60-65 इस तरीके से मार्केट में सेल कर सकते हैं और जो लेकर के जाएगा 155-60-65 में वो आगे जाकर के आपका 200 रुपये 180 रुपये 190 रुपये का बेच सकता है, क्योंकि दोस्तों दुकानदार को भी 100 रुपये का प्रॉफिट एक हैंगर में बेचने में हो जाएगा। अगर दोस्तों आप इसको डायरेक्टली, अगर आप इसको डायरेक्ट बेचेंगे तो आप 170-180 के बेचते हैं तो 40-45 रुपये आप एक हैंगर में कमा लेंगे होलसेल करने के बाद। तो यकीन मानिए दोस्तों, जैसे अगर आप एक दिन में 10 हैंगर बेच लेते, मैं कहता हूँ अगर आपने 10 हैंगर बेच लिया धनिया के, 10 हैंगर बेच लिया आपने
हल्दी के और 10 हैंगर आपने बेच लिया मिर्च के। ये तीनों मैंने अभी सिर्फ धनिया मिर्च मसाला ही बताया, अभी गरम मसाला मैंने ऐड नहीं किया। गरम मसाले की वीडियो में आगे बताऊंगा, उसका कुछ मार्जिन अलग है, उसका कुछ सिस्टम बेचने का अलग है। तो यहाँ पास अभी ये चीज़ें हो गई तीनों चीज़ बेचने की। तो यहाँ पास अगर आप 10-10 ही हैंगर बेच लेते हो दिन में, तो आप 400 रुपये एक ही प्रोडक्ट में कमाते हो। तो तीनों प्रोडक्ट में अगर बेच लिया आपने तो 1200 रुपये आप बेच लेते हो। मतलब कि आपने 400 रुपये कमा लिया धनिया में, 400 रुपये कमा लिया मिर्च में, 400 रुपये कमा लिया हल्दी में। तो 1200 रुपये आप दिन का, मतलब 1200 रुपये आप जोड़ते हैं कितना होता है दिन का, मतलब कि महीने का 36,000 रुपये आप आसानी से ये प्रोडक्ट बेच करके, हाँ दोस्तों ये प्रोडक्ट बेच करके आप महीने का 36,000 रुपये कमा सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा होने वाला है और काफ़ी अच्छा आपको बिजनेस में मिलने वाला है। अब दोस्तों मैंने जैसे आपको पूरा बता दिया, तो ये चीज़ें आपको कैसे मिलेंगी, आप अपने लोकल मार्केट में जा करके पता करें कि हमें ये इस तरीके की जो नई नई कंपनियां होती हैं इनको आपको हैंडल करना है और इन्हीं को बेचना है। क्योंकि दोस्तों मैं इस नई कंपनी की बोल रहा हूँ, क्योंकि जो धनिया मिर्च मसाला है ये नई कंपनी हो या पुरानी कंपनी हो, ये सब सेल हो जाता है, क्योंकि इस पर इतना मैटर नहीं करता कंपनी का, सिर्फ इसका जो माल होता है ये मैटर करता है कि माल जितना भी कंपनी में जितना माल भरा होता है उतना ही माल भरा होना चाहिए, वो आपको लेकर के आनी है। अगर उस तरीके का आप माल लेकर के आते हो तो आपका आसानी से बिक जाएगा और काफ़ी अच्छा आपका प्रॉफिट भी होगा। तो दोस्तों आप धनिया मिर्च मसाला की पैकेटिंग लेकर के आप होलसेल करके आप आसानी से 36,000 रुपये तक कमा सकते हो। अगर आप मात्र, मैं मैंने बोला 10-10 पैकेट आपको सिर्फ सेल करना है उसमें। लेकिन दोस्तों अगर आप इसको रखोगे तो इसके साथ में आप इसी को नहीं रखोगे और भी 4-5 प्रोडक्ट रखोगे जिसमें आप आसानी से 40-45,000 रुपये महीना कमा सकते हो। जैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, तो मैं अपने बैठा हुआ हूँ, अपने छोटी सी अपनी फैक्ट्री है तो वहाँ पास बैठा हूँ मैं। किसी तरीके से बहुत बड़ा कोई यूट्यूबर नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए, बिजनेस आइडिया बताने के लिए मैं आज यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। मेरे पीछे जैसे दोस्तों जैसे स्क्रबर है, तो मैं स्क्रबर के साथ मैं इनको भी सेल कर लेता हूँ, जिससे अपनी मार्जिन प्रॉफिट इससे भी हो जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप बिजनेस कर सकते हैं। आप थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा ढूंढने में, प्रॉब्लम ढूंढ सकते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप अगर सही जगह अगर ढूंढ लेते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। या तो आप हमें इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं, जैसे मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक दिया हूँ, वहाँ आप मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ पास आपको क्या करूँगा, आपके डिस्ट्रिक्ट पे कौन सा है उसको मैं उस तरीके का आपको नंबर देने की कोशिश करूँगा। या तो आप इंडिया मार्ट में भी सर्च कर सकते हैं और नई नई कंपनियों को ढूंढ सकते हैं, उसका आप डिस्ट्रीब्यूटर लेकर आसानी से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। या तो आपके एरिया में कोई डिस्ट्रीब्यूटर लिया हुआ है तो आप उससे भी लेकर के माल बेच सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।